सदा पत्र मिलिया मीटिंग च शामिल होने वास्ते पहुंचे हैं। मैं पहला भी ये कह चुके हैं कि लंबे समय तो ही सिखां के खिलाफ बरदान सरदे जा रहे हैं। कोई मंदिर के उत्ते हमला नहीं होया, सिर्फ मंदिर के बाहर एक झड़प हुई है ते वो जिहड़ी झड़प हुई वह भी मंदभागी है, नहीं होनी चाहिए सी। लेकिन मंदिर के बाहर हुई झड़प में जोड़ा है मंदिर के उत्ते हमला जोड़ा गर्दानिया गया और पेश किया गया, ये बहुत मंदभाग है। तुम देखो कि 1984 के दहाके के दौरान पंजाब के हालात किन्ने खराब रहे ने। उस समय भी भारतीय फौज ने हालांकि 35 गुरद्वारा साहबान के उत्ते हमला बोलिया सी, लेकिन बदले के किसी सिख ने पंजाब के कदे किसी मंदिर के उत्ते हमला नहीं किया। सिख कदे किसी के धार्मिक स्थानों के उत्ते हमले नहीं करते होंगे। हाँ 1984 के नवंबर के पहले हफ्ते जो भारत के सिखा का नरसंहार होया उस दौरान गुरुद्वार के उत्ते हमले जोड़े आ जरूर हुए। कनेडा की धरती के उत्ते मंदिर के बाहर एक छोटी जी हुई झड़प में भारतीय मीडिया ने खास तौर के उत्ते और सोशल मीडिया के उत्ते बैठे हुए शरारती अंसर ने जोड़ा है सिखा वालों मंदिर के उत्ते हमला जोड़ा वो गर्दानिया, ये बहुत गलत है। सिखा खिलाफ बरदान सरजा जा रहा है। उल्टा माल्टन गुरुद्वारे के उत्ते जोड़ा है बाहर गड्डिया की भन तोड़ जी की है कुछ शरारती अंसर ने, वो मंदभाग है। तो मैं समझदा कि ये कोई हमला नहीं है किसी मंदिर के उत्ते और ना ही सिख किसी के धार्मिक स्थान के उत्ते हमला। मंदभाग है जो भारत के भारत का संविधान जो है एयर इंडिया ने ऐलान दिता है। एक नोटिफिकेशन जारी होया जरदार साहब एक बार सुनियो, एक नोटिफिकेशन जारी होया है चिट्ठी राही एयर इंडिया का कोई भी मुलाजम है जोड़ा एविएशन वाला वो ना तो कृपान पा सकता है, ना सिरी साहब पा सकता है, ना ही कोई खंडे वाली चेन पा सकता है, ना ही पाउन की इजाजत भारत का कानून भी दिता है, भारत का संविधान भी दिता है। तो जे भारत इंडियन एयरलाइन जी है जो इस तरह की कोई हरकत करती है तो ये जरा है एक किस्म का साडा संविधान हक भी खोया जा रहा है और साडे गुरु साहिबान ने सानूं सरजा जा रहा है। मंदिर के बाहर हुई छोटी जी झड़प में सिखा वालों या पूरी कौम वालों जोड़ा है वो मंदिर के उत्ते हुए हमला जोड़ा है वो दसिया जा रहा है, ये बहुत गलत है। मसला अज विचारिया जाएगा अंदर ये जो दो तीन मेन मुद्दे ने बुद्धिजीवियों की मीटिंग है सिंह साहब जी सरकारी दल वालों आज की मीटिंग नु लेके तरह तरह दी पोस्टां पाईयां जा रही हैं। देखो मैं एक गल कहते हैं कि श्री अकाल तख्त साहब की फसील तो अकाली दल का जन्म होया। सब तो वड्डा अकाली दल का जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा सब तो वड्डा कस्टोडियन है वो श्री अकाल तख्त साहब है और जिहड़े यूथ अकाली दल के जिहड़े वर्कर ने या अहुदेदार ने जिवें तुसीं दस रहे हो कि अज की मीटिंग बारे नैगेटिव पोस्टा पा रहे हैं, मैं उन्होंने इहो ही कहना चाहुंदा है कि श्री अकाल तख्त साहब जिहड़ा अकाली दल का सोमा है और जो कोई भी चीज़ आपके सूबे नालों टुटती है तो वह खत्म हो जाती है। जिन्ना चर श्री अकाल तख्त साहब है श्रोमणी अकाली दल का कस्टोडियन श्रोमणी अकाली दल नूं कुछ नहीं होने वाला है। श्रोमणी अकाली दल सिखां दी नुमाइंदा जमात है, यह मजबूत है मजबूत रहेगी। और मैं सारयां नूं यह गल जिहड़ी है दसना चाहुंदा है कि जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब तों तनखाइयां सिर्फ श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह नूं ही करार दिता गया, श्रोमणी अकाली दल नूं बिल्कुल नहीं। इस करके श्रोमणी अकाली दल के वर्कर श्रोमणी अकाली दल मजबूत कर श्रोमणी अकाली दल की पहली बार नहीं बुलाया जा रहा, समय समय के उत्ते मैं 5 साल श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वजों सेवा की है और मेरी सेवा दौरान भी विद्वाना के इकट्ठ जो बहुत बार बुलाए गए। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अज श्री अकाल तख्त साहब वालों कुछ बुद्धिजीवियों की मीटिंग सदी है, मैं भी सदा पत्र मिलिया मीटिंग च शामिल होने वास्ते पहुंचे हैं। मैं पहला भी ये कह चुके हैं कि लंबे समय तो ही सिखां के खिलाफ बरदान सरदे जा रहे हैं। कोई मंदिर के उत्ते हमला नहीं होया, सिर्फ मंदिर के बाहर एक झड़प हुई है ते वो जिहड़ी झड़प हुई वह भी मंदभागी है, नहीं होनी चाहिए सी। लेकिन मंदिर के बाहर हुई झड़प में जोड़ा है मंदिर के उत्ते हमला जोड़ा गर्दानिया गया और पेश किया गया, ये बहुत मंदभाग है। तुम देखो कि 1984 के दहाके के दौरान पंजाब के हालात किन्ने खराब रहे ने।
उस समय भी भारतीय फौज ने हालांकि 35 गुरद्वारा साहबान के उत्ते हमला बोलिया सी, लेकिन बदले दे विच किसी सिख ने पंजाब दे विच कदे किसी मंदिर के उत्ते हमला नहीं किया। सिख कदे किसी के धार्मिक स्थानों के उत्ते हमले नहीं करते होंगे। हाँ 1984 के नवंबर के पहले हफ्ते जो भारत के सिखा का नरसंहार होया सी, उस दौरान गुरुद्वारों के उत्ते हमले जोड़े आ जरूर हुए। कनेडा की धरती के उत्ते मंदिर के बाहर एक छोटी जुवाई चढ़ाकू भारतीय मीडिया ने खास तौर के उत्ते और सोशल मीडिया के उत्ते बैठे हुए शरारती अंसरां ने जोड़ा है सिखा वालों मंदिर के उत्ते हमला जोड़ा वो गर्दानिया, ये बहुत गलत है। सिखा खिलाफ़ बरदान सिरजा जा रहा है। उल्टा माल्टन गुरुद्वारे के उत्ते जोड़ा है बाहर गड्डिया की भन तोड़ जी की है कुछ शरारती अंसर ने, वह मंदभागा। तो मैं समझदा कि कोई हमला नहीं है किसी मंदिर के उत्ते और ना ही सिख किसी के धार्मिक स्थान के उत्ते हमला की लगता है। सोची समझी साजिश तक किया जा रहा है। मान पाके मुलाजम जड़े हैं काम नहीं कर सकते। ये मंदभागा है जे भारत दे विच भारत दा संविधान जड़ा है सिखां नूं एयर इंडिया ने ऐलान दिता है। एक नोटिफिकेशन जारी होया जसदार साहब इक सुनियो तुसीं, एक नोटिफिकेशन जारी होया है चिट्ठी राही एयर इंडिया का कोई भी मुलाजम है जिहड़ा एविएशन वाला वो ना तो कृपान पा सकता है, ना सिरी साहब पा सकता है, ना ही कोई खंडे वाली चेन पा सकता है, ना ही पाउण की इजाजत भारत का कानून भी दिता है, भारत का संविधान भी दिता है। तो जे भारत इंडियन एयरलाइन जी है जो इस तरह की कोई हरकत करती है तो यह जड़ा है एक किस्म का साडा संविधानक हक भी खोया जा रहा है और साडे गुरु साहिबान ने खिलाफ बरदान सिरजा जा रहा है। मंदिर के बाहर हुई छोटी जी झड़पू सिखा वालों या पूरी कौम वालों जो मंदिर के उत्ते हुए हमला जोड़ा वो दसिया जा रहा है, यह बहुत गलत है। मसला अज विचारिया जाएगा अंदर ये जो दो तीन मेन मुद्दे ने बुद्धिजीवियों की मीटिंग है सिंह साहब सरकारी साहब को आज की मीटिंग में लेकर तरह तरह की पोस्टा पाई जा रही हैं। देखो मैं एक गल कहते हैं कि श्री अकाल तख्त साहब की फसील तो अकाली दल का जन्म होया। सब तो वड्डा अकाली दल का जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा सब तो वड्डा कस्टोडियन है वो श्री अकाल तख्त साहब है और जिहड़े यूथ अकाली दल के जिहड़े वर्कर ने या अहुदेदार ने जिवें तुसीं दस रहे हो कि अज दी मीटिंग बारे नैगेटिव पोस्टां पा रहे हैं, मैं उन्होंने इहो ही कहना चाहुंदा है कि श्री अकाल तख्त साहब जिहड़ा अकाली दल का सोमा है और जो कोई भी चीज़ आपके सूबे नालों टुटती है तो वो खत्म हो जाती है। जिन्ना चर श्री अकाल तख्त साहब है श्रोमणी अकाली दल का कस्टोडियन, श्रोमणी अकाली दल नूं कुछ नहीं होने वाला है। श्रोमणी अकाली दल सिखां दी नुमाइंदा जमात है, ये मजबूत है, मजबूत रहेगी। और मैं सारयां नूं ये गल जिहड़ी है दसना चाहुंदा कि जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब तों तनखाइयां सिर्फ श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह नूं ही करार दिता गया, श्रोमणी अकाली दल नूं बिल्कुल नहीं। इस करके श्रोमणी अकाली दल के वर्कर श्रोमणी अकाली दल नूं मजबूत करन, श्रोमणी अकाली दल दी पहली बार नहीं बुलाया जा रहा, समय समय के उत्ते मैं 5 साल श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वजह सेवा की है और मेरी सेवा दौरान भी विद्वानों के इकट्ठ जो बहुत बार बुलाए। वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।